हॉलीवुड में न जाने कितने हीरो आए और चले गए, लेकिन कुछ एक ही हैं जिनके किस्सों का जिक्र किए बिना हिंदी फिल्मों का इतिहास अधूरा रह जाएगा। देव आनंद साहब भी एक ऐसे ही हिंदी सिनेमा में तकरीबन 6 दशक तक दर्शकों पर अपने हुनर, अदाकारी और मानियत का जादू बिखेरने वाले सदाबहार अभिनेता देव आनंद को एक्टर बनने के लिए कई पापड़ बेलने पड़े। दिलचस्प बात तो ये है कि जब देव साहब मुंबई आए तो उनके पास जेब में सिर्फ 30 रुपये थे। मुझे किसी ने कहा कि किसी जगह किसी दफ्तर में एक साहब खड़े हैं, वो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, उनको एक लड़का चाहिए, वो फिल्म बना रहे हैं। तो मेरे दिमाग में बात आ गई तो मैंने अपना ओवरकोट पकड़ा। बरसात हो रही थी, जुलाई का महीना था और मैं ट्रेन में निकला और मैं चरनी रोड पर उतर गया और चरनी रोड से उतर के मैं लेकिन 3 दिसंबर 2011 को हिंदी सिनेमा का ये रोशन सितारा हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। ये चीज खास मैंने संजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। कहाँ जा रहे तुम, कहाँ आ गए हम, कहाँ जा रहे तुम, कहाँ आ गए हम, किसी की निगाहों से, किसी की निगाहों से टकरा गए हम, टकरा गए हम, कहाँ जा रहे तुम, कहाँ आ गए हम, कहाँ जा रहे तुम, कहाँ आ गए हम, किसी की निगाहों से टकरा गए हम, टकरा गए हम, कहाँ जा रहे थे। खो चले सारा निशान, मैं हूँ यहाँ, दिल है कहाँ, मैं हूँ यहाँ, दिल है कहाँ, सोए है कि जागे तक जागे, सोए है कि जागे तक जागे, किसी की निगाहों से, किसी की निगाहों से तक जागे हम, तक जागे। बातें करने के लिए इतना तरस रहा था कि सोचा थोड़ी पी कर अपने आप से कुछ कहूंगा। मनी, मैं कुछ चिड़चिड़ा सा हो गया हूं, कभी गुस्से में बुरा भला क्या जाए करूं तो बुरा मत लगा।